Hello everybody, welcome. How are you all? I hope everybody is well. So today we are going to start a new topic, that is pronoun. Okay, aaj hum pronoun padhenge, uske rules ke bare mein discuss karenge, lekin usse pehle hum dekhte hain ki pronoun hota kya hai. Okay, the word which are used in place of noun is called pronoun. ऐसा शब्द जो आपके नाउन की जगह पे यूज हो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोनाउन कहलाता है. ठीक है, जो वर्ड आपके नाउन की जगह पे यूज हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. चलिए एग्जांपल देखते हैं. राम इज अ गुड बॉय. ओके, राम इज अ गुड बॉय. अब देखिए, राम यहाँ पे क्या है, नाउन है. ठीक है, नाम है यहाँ पे किसी का, तो ये नाउन है. जो वर्ड इसके लिए यूज होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा. जब हम सेकेंडली इसके बारे में बात करेंगे तो हम इसको रेफर करेंगे ही के साथ. ठीक है, किसके साथ रेफर करेंगे इसको, ही के साथ. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राम की जगह है वो किसने ले ली है, ही ने ले ली है. एक नाउन की जगह ही ने ले ली है, तो यहाँ पे ही क्या है, आपका प्रोनाउन है. ठीक है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आर क्लास, तो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे. ओके, अब हम पर्सन्स के बारे में बात करेंगे. हमारे पास जो पर्सन्स रहते हैं वो थ्री टाइप के रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इनमें भी दो केसेस रहते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. जो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है उसमें हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो है आई, वी, सेकेंड है यू, थर्ड है ही, शी, इट, दे. ओके, यहाँ पे चार है, ही, शी, इट, दे. और अब इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या बनते हैं, आई का बनता है मी, वी का बनता है अस, यू का बनता है यू, सेम रहता है, ही का बनता है हिम, शी का हर, इट का भी सेम रहता है, दे का बनता है देम. ओके, आई होप कि क्लियर हो गया. ये दो तरह के केसेस हैं यहाँ पे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. चलिए आगे रूल्स देखते हैं. ओके, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रूल है, इधर, निधर, ईच अदर आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स. ठीक है, हमारे जो वर्ड्स हैं, इधर है, निधर है, ईच अदर है, ये कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है. ओके, उसी तरह से एनी वन, नन, वन एंड अदर आई यूज वाइल रेफरिंग टू मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. ठीक है, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. इधर का ऑपोजिट एनी वन बनता है, निधर का नन बनता है, ईच अदर का वन अनदर बनता है. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर. ओके, यहाँ पे इंडियंस के बारे में बात हो रही है, इंडियंस के बारे में. ठीक है, तो मतलब दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो हम यहाँ पे ईच अदर नहीं यूज कर सकते. ईच अदर यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है. तो हमारे पास जो करेक्ट वन बनेगा वो क्या बनेगा, इंडियंस शुड नेवर फाइट विद वन एनदर. जैसे मैंने आपको बताया ईच अदर का ऑपोजिट वहां पे क्या बन रहा है, वन एनदर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव. अब किसी की आईज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो वो दो ही होती हैं. ठीक है, तो अगर दो होती हैं तो इस केस में हम एनी वन वर्ड यूज नहीं कर सकते. एनी वन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो एनी वन का ऑपोजिट हमारे पास क्या था, इधर. ओके, इधर ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव. नेक्स्ट है, इधर ऑफ हिज फोर सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ. अब यहाँ फोर सन्स के बारे में बात हो रही है, तो इधर तो हम लोग दो चीजों के लिए यूज करते हैं या दो पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इधर का ऑपोजिट हमारे पास क्या है, एनी वन. एनी वन ऑफ हिज फोर सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ. आई होप कि आपको क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास जो सेकेंड रूल है यहाँ पे, उसमें है इन अ सिंपल, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस कोई भी होगा, यूजेज ऑफ पर्सन्स, जो हमारे पर्सन्स होंगे किसी भी सेंटेंस में, मान लीजिए उसमें तीनों के तीनों पर्सन्स आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे अरेंज करोगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो आप ऐसे अरेंज करेंगे, पहले हम जो सेकेंड पर्सन है उसको लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे, एंड देन हम लोग फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे. आप इसको सिंपली भी याद रख सकते हैं, 231. ओके, मतलब सेकेंड, थर्ड,
enforced. लेकिन अगर आपकी सेंटेंस में कहीं पे आपको नेगेटिव सेंस आ रही है, ठीक है, नेगेटिव सेंस आ रही है अगर आपके सेंटेंस में, तो उस केस में जो आपके पर्सन का यूसेज है वो कैसा रहेगा? सिंपल 1, 2, 3, ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड. चलिए एग्जांपल देखते हैं. ओके, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ही, यू एंड आई आर डांसिंग. यहाँ पे देखिए आप, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो हमारा क्या है, 2, 3, 1. तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सेकंड पर्सन है वो है यू, तो इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे. फिर हमारे पास थर्ड पर्सन है ही, हम उसको बाद में लिखेंगे. और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन को. तो हमारे पास करेक्ट क्या बनेगा, यू, ही एंड आई आर डांसिंग. नेक्स्ट देखते हैं, यू, ही एंड आई हैव स्टोलन द कार. अब देखिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव सेंस आ रही है, स्टोलन द कार, ओके, नेगेटिव सेंस आ रही है. इन दैट केस जो हमारा पर्सन का अरेंजमेंट है वो कैसा रहता है, 1, 2, 3. तो हम पहले फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे आई को, फिर सेकेंड को मतलब यू को, एंड देन थर्ड को ही. ओके, आई, यू एंड ही हैव स्टोलन द कार. आई होप कि क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. ओके, तो रूल नंबर थर्ड में है यूजेज ऑफ हु, विच एंड दैट. पहले हम हु के बारे में देखेंगे. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बारे में अगर हम बात करें तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं, ठीक है. विच का यूज हमारे पास कहाँ पे होता है, इन केस ऑफ एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. जब हम जानवरों के बारे में बात करेंगे या फिर हम किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, मतलब मर्जी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, तो हम विच का यूज करेंगे. दैट का यूज हम लोग क्या करेंगे, एनी टू, दोनों में से एक के साथ, कुछ केसेस में रहेगा या फिर मिक्स में, ठीक है. चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओके, द थिंग यू who attracted him toward her simplicity. The thing who attracted him toward her simplicity. अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है thing के बारे में, किसी चीज के बारे में, ठीक है. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, the thing who attracted him, वो चीज जिसने attract किया उसे उसकी simplicity की तरफ, ठीक है. तो चीज के बारे में बात हो रही है तो हम किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग हु का यूज नहीं कर सकते, ठीक है. हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, विच यूज करेंगे. तो हमारा जो एग्जैक्ट और करेक्ट बनेगा सेंटेंस वो क्या बनेगा, द थिंग विच अट्रैक्टेड हिम टॉवर्ड्स हर सिंप्लिसिटी, ठीक है. यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव सीन द बॉय एंड द गर्ल विच डाइड इन द एक्सीडेंट. देखिए यहाँ पे बॉय और गर्ल के बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है. तो इन केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, विच का यूज नहीं कर सकते. यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे. तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव सीन द बॉय एंड द गर्ल हु डाइड इन द एक्सीडेंट. ओके, क्या बनेगा, आई हैव सीन द बॉय एंड द गर्ल हु डाइड इन द एक्सीडेंट. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. आई होप कि ये क्लियर हो गया. ओके, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, ऑल, नो, एनी, एवरी, फ्यू, सम, ओनली, सच, क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स मतलब जो हमारे स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू एच, जैसे हुम, विच, व्हाट, ठीक है, हुम, सुपरलेटिव डिग्री. After all these words, इन सब words के बाद हम लोग क्या करते हैं, that का use करते हैं, ठीक है, that आता ही आता है इन words के बाद. चलिए example देखते हैं. Okay, this is everything which our PM can do for us. Okay, देखिए यहाँ पे every word आ चुका है, ठीक है, every word यहाँ पे आ चुका है. और उन्होंने क्या बोला, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जहां पे एवरी वर्ड आ गया, कुछ और वर्ड भी थे, जहां पे एवरी वर्ड आ चुका है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे. तो यहाँ पे ये विच जो है वो क्या है, रॉन्ग है. तो करेक्ट क्या है, दिस इज एवरीथिंग दैट आर पीएम कैन डू फॉर अस, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, All which glitters is not gold. अब जो all word है ये भी हमारे पास शुरू में था, तो उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद भी क्या आता है हमारे पास,
दैट वर्ड आता है. ठीक है, तो करेक्ट क्या बनेगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं. इन आवर लास्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.